रहा है इस दौर में? बढ़ेगा, कोशिश करेंगे हम हमारी तरफ से। हम कहाँ तक सरकार पर निर्भर रहेंगे, हमारी एक अपनी जिम्मेदारी, एक समाज का हिस्सा होने के नाते, तो हम करते रहेंगे। किस पर टिप्पणी करेंगे हम, पिछली सरकार, इन पर, आने वाली कौन सी सरकार पर? तो मुझे लगता है कि मुझ में जितनी ताकत है, मेरी जितनी औकात है, उतनी करने की मैं कोशिश करूंगा। और रही बात, जो अधूरापन है वो अधूरापन है, उसको क्या करेंगे। अब मेरी दिक्कत यह है कि मेरे घर में बीवी, मेरे दो बच्चे, मेरी माँ, मेरा बाप, अब छह लोग हैं। छह लोगों का देखना मतलब मेरी आमदनी जो है, अब हम सोयाबीन का हम सोचेंगे तो जितना बोया है उससे 4000 हमारा खर्चा ज्यादा है, मतलब जितना उत्पन्न हुआ है, हम आमदनी है हमारी, वो 4000 हमारे ज्यादा गए हैं जेब से। अब कॉटन जो है, कॉटन में हमको मिलते हैं 900 रुपए एक हेक्टर की बात मैं कर रहा हूं। हम बोए तो क्या बोए? आपको जरा एक थोड़ी सी अगर आधा मिनट दे तो मैं आपको बता दूं। कमाल की बात है, देख लो, कपास 1973 500 रुपए क्विंटल, आज 4050। मैं ठीक बोल रहा हूं? 4200 8.1 गुना ज्यादा है 73 से। जवार 200 था, अब 1500, 7.5 गुना ज्यादा हो गया। गेहूं 400, 1800, 4.5। चावल 600, 3000, 5 गुना। पेट्रोल 3 रुपया था, 67, 22.33 गुना ज्यादा। डीजल 2 रुपया था, 54 हो गया, 27। मजदूरी एक दिन की थी 5 रुपये, 200 रुपये हो गए। सोना 400 रुपया एक तोला था, किसान जब अपना एक क्विंटल बेचता था तो एक तोला सोना खरीद कर 100 रुपये जेब में रख के वापस आता था। सोना हो गया 27,000। सिपाही 175 प्रति माह पाता था, आज 15,000 पा रहा, 85 गुना ज्यादा है। कनिष्ठ लिपिक जो था 225, आज 20,000, 88.8। प्राध्यापक 600 पाता था, आज 1,25,000 पा रहा है, 208 गुना ज्यादा। अब ये तफावत देखिए आप, किसान का जो उत्पादन खर्च है वो उतना ही बढ़ गया है, बाकी के लोगों का उत्पादन खर्चा है नहीं। मेरा खर्चा इतना बड़ा है और कीमत उसी रेशियो में बढ़ी है, वो 8 गुना आपको लगता है लेकिन 8 गुना है नहीं। पहले 100 रुपए में मिलती थी बीज हमको, आज 3,000 रुपया है। तो हम करें तो क्या करें, बोए क्या? अल्प भूधारक की मैं बात कर रहा हूं, कोरड़ बाबू जो है आसमान की तरफ देखने के बजाय हम कुछ कर नहीं सकते। बारिश नहीं हुई, किसने घोटाले किए, क्या नहीं हुआ, पानी का को इंतजाम नहीं हुआ, वो उसमें हम पड़ेंगे नहीं। लेकिन जो बात है वहां जाके, आज कल परसों हम आए वहां से, वर्धा, वर्धा से गए हम बुलढाना, बुलढाना से जलगाम। अब नाम तो है जलगाम, पानी तो है नहीं। अब करोगे क्या? बागायती वाले जो है उनके पास है, बहुत कुछ है। जो हम आसमान की तरफ देखे ही खेती करेंगे तो होगा क्या, हमें मिलेगा क्या? तो ये तो जायज है, हम माइग्रेट करेंगे, वहां से आएंगे शहर में, शहर में आएंगे तो हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं, हम फुटपाथ पे सोएंगे, खाने के लिए कुछ है नहीं तो हम चोरी करेंगे। जिए तो हम जिए कैसे? खड़से साहब, आप तो जलगांव के ही है ना? हाँ, आपके पिता भी किसान ही, जहां तक हमको याद आ रहा है। हम मलकापुर से जब गुजरे, इनके खेत से हम गुजरे थे, हमारे गांव से गए थे। हाँ, तो नहीं, जलगांव या कोई शहर का मतलब, जलगांव हो या बुलढाना हो, स्थिति तो किसानों की एक जैसी है सभी जगह है।
हाँ ठीक है, थोड़ा कि जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है थोड़ी इससे ठीक है, पर मैं ये किसानों के आत्महत्याओं के बारे में जब नाना बोल रहे थे कि जो कोरडवा हो स्थिति में जिसमें खेती खेती में पानी नहीं है, और जो पहले की बातें बता रहे थे कि उस समय के जो कपास के भाव थे 300 रुपये से लेकर, तो उस ढंग से किसान के जो उपज है मतलब कपास हो ज्वार हो और भी कुछ उसकी कीमतें नहीं बढ़ी, ये बात सही है, पर एक ढंग से देखा गया तो ये कीमतें नहीं बढ़ी, किसान आज खेती करते हुए उसको पोसाता नहीं है खेती के लिए, तो सरकार की ओर से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलनी चाहिए। आत्महत्या का जो सुसाइड हो रहे आत्महत्या हो रहे हैं ये रोकने के लिए खाली जलगांव में हो या बुलढाणा हो तो सारे किसानों की व्यवस्था करनी चाहिए, और ज़्यादातर जहाँ जहाँ किसानों के आत्महत्या ज़्यादा हुई है ऐसे 14 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में हमने देखे कि जहाँ किसानों के आत्महत्या आज तक ज़्यादा हुई है, वो किसानों के लिए वो 14 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के बाहर के किसानों के लिए कुछ ऐसे हमने निर्णय लिए हैं जिसका परिणाम जो है वो 2 साल 3 साल 4 साल के बाद ही अच्छी तरह से दिख सकता है। पर मैं एक चर्चा कर रहा था बीच में नाना पाटिल साहब से कि खाली व्यवस्था करने से नहीं होगा, सरकार ने निर्णय लिया, हमने निर्णय लिया है कि जहाँ किसानों को खेत के लिए पानी होना चाहिए वहाँ जल संपत्ति के लिए हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि पानी अड़ाना चाहिए, पानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी अड़ाने के लिए हमने एक निर्णय लिया, और उसके तहत आज 24 TMC पानी हम लोगों ने करीबन जमीन के नीचे तक जाने के लिए जो पानी की तहत वो बढ़ाने के लिए उसमें मदद हुई है। सिंचाई की व्यवस्था हो इसके लिए आज उपाय योजना हमने की है, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है सिंचाई के एक दिन में तो पूरे नहीं हो सकते, पर जहाँ पूरे होने के बाद भी पूरी खेती के लिए हमने आज तक पानी पूरी तरह से नहीं दे सके, कुछ जगह पानी रुका है पर वो खेती तक नहीं दे सकते, ऐसी व्यवस्थाएँ करने चाहिए। किसानों के लिए ये एक जलयुक्त शिवार की योजना हुई, उससे दूसरी योजना है कि जहाँ नाना पाटिल साहब ने बताया कि किसानों की खेती के लिए खर्चा बढ़ रहा है, और यह बात सही है कि खर्चा बढ़ रहा है, इसके कारण भाव भी नहीं मिल रहे, दूसरी जगह खर्चा भी बढ़ रहा है, तो किसानों को जो लग रहा है वो जो बीज लगता है खाद लगता है और बिजली लगती है इसलिए इसका खर्चा कम करना चाहिए, और ये कम करने के लिए ये साल भर में हमने कोशिश की कि जहाँ कॉटन का ज़्यादातर हमारे क्षेत्र में मराठवाड़ा और विदर्भ जो है वो कपास की खेती ज़्यादा है, और कपास की खेती को जहाँ खर्चा होता है तो वो कम करने का हमने निर्णय लिया कि एक तो बीटी कॉटन वगैरह हम ज़्यादा लगाते हैं, और बीटी कॉटन तो 450 ग्राम जो बीटी कॉटन के सेले 950 रुपये में मिलती है, जो उसके नीचे के 2 नंबर के 850 में मिलती है, एक प्रति थैली मतलब 450 ग्राम के पीछे 100 रुपये कम करने का निर्णय सरकार ने लिया, जैसे 100 रुपये एक 450 ग्राम के पीछे और 1 किलो के पीछे भी उनको 250 रुपये की मदद हुई।